बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां खबर मैनपुरी से है। अगली खबर मैनपुरी से आ रही, जहां दलित युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि दलित युवक की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आ रहा है। गांव के ही चार लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। युवक का बेरहमी से कुचला गया सिर। हाईवे किनारे खेत में पड़ा मिला युवक का शव। मक्के के खेत में पड़ा मिला युवक का शव। आपको बता दें कि युवक को मारने का मामला सामने आ रहा है, जहां पर आपको बता दें कि गांव के ही चार लोगों पर उसको मारने का इल्जाम लग रहा है। दो दिन पहले युवक हुआ था लापता। पुलिस ने पत्नी थाना बेवर क्षेत्र के गांव खेरिया की ये घटना सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि दलित युवक की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। ये मैनपुरी से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर गांव के ही चार लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया है। आपको बता दें कि युवक का बेरहमी से कुचला गया सिर। युवक का बेरहमी के साथ कुचला गया हाईवे किनारे खेत में अब युवक का शव बरामद हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, आपको बता दें कि युवक का शव बरामद हुआ है। दो दिन पहले युवक हुआ था लापता। युवक को गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आ रहा है। हम अब तक खबर पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि गोली मारकर युवक को मारा गया, जिसके बाद उसके सर को कुचल दिया गया। आपको बता दें कि इसका गांव के ही चार लोगों पर उसकी हत्या करने का आरोप लग रहा है, जिसके खिलाफ अब हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हाईवे किनारे खेत में पड़ा मिला युवक का शव। आपको बता दें कि मक्के के खेत में पड़ा मिला युवक का शव। इस पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता चंद्रजीत सिंह। चंद्रजीत, ये जो मामला सामने आया है, जहां पर युवक को पहले गोली मारकर मारा गया और उसके बाद फिर उसका सिर को कुचला गया है, जहां पर ये मामला सामने आ रहा है। इसको बता दें कि कई दिनों से लापता था युवक, अब इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, आपको बता दें, ये बेवर थाना क्षेत्र के गांव खेरिया का मामला है। ये युवक जो दो दिन पहले से लापता हुआ है, इसका नाम मनोज कुमार है। इसका आज हाईवे के किनारे मक्का के खेत में इसका शव बरामद हुआ है। इसके हत्या, गोली मारकर हत्या, और इसका सर बुरी तरह से कुचला गया है। हालांकि आपको बता दें, इसकी पत्नी लगातार पुलिस से के गुहार लगा रही थी, क्योंकि दो दिन से ये पूर्व से ये गायब हो गया था। लगातार ये पुलिस से मिलने का प्रयास कर रही थी। आज इनका महिला की तहरीर पर चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। जी जी, तो ये जो लापरवाही किस तरीके से, ये कहीं ना कहीं प्रशासन की भी लापरवाही, क्योंकि इस तरीके से हत्याओं की अक्सर घटनाएं सामने आती हैं। एक बार फिर दबंगों की किस तरीके से दबंगे सामने आई है, जहां पर गांव के ही चार लोगों पर उसकी हत्या का मामला दर्ज हुआ है, बात सामने आ रही है।